मेरे भाई, उधर से सांप तो भाग गया, कुछ देर के बाद बहेलिया आया हाथ में तीर लिए हुए। बहेलिया को देखकर हंस ने कहा, मेरे भाई तुम्हारी तो जान बच गई, अब तुम अपने सांप भाई चले गए, तुम अपने घर जाओ, अब मेरे को भी जान बचाने की आवश्यकता आ गई है, अब मैं उड़ूं। लेकिन जब हंस उड़ना चाहा तो उसके तो पंख कट चुके थे, कुछ दूर जाकर गिर गया और गिरने के बाद बहेलिया द्वारा मार दिया गया। आज भी तुम्हारी मां भारती जिस पर तुम रहते हो, आज इसी तरह कुछ दुष्ट आत्मा रूपी चूहे तुम्हारे संरक्षण करता भारत माता का सपूत, आज जिन पर भारत माता गर्व करती है, उन राम के संतति संत के भी पंख काटे जा रहे हैं। आज इसका पर्दाफाश करने के लिए मैं छिंदवाड़ा में आया हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं छिंदवाड़ा के दुष्ट तथा कथित कुछ मीडिया और कुछ राष्ट्रद्रोही संगठन के लोगों को, कि अगर तुम में दम है तो समाज के सामने आकर सवाल करना सीखो, चोरों की तरह पीठ में छुरा भोंकने का कार्य मत करो। मेरे भाई कैसे कैसे क्या हो रहे हैं इस पर मैं डिटेल से आज चर्चा करूंगा। हमारे संत बैठे हैं और यहां की जनता भी बैठी है और यहां की माताएं भी बैठी हैं और कुछ तथा कथित मध्य प्रदेश ही नहीं भारत के कुछ गद्दार लोग के चमचे भी छुपकर जरूर मेरी वाणी सुन रहे होंगे। मेरे भाई, भगवान ने दो तरह के लोग बनाए हैं, एक का नाम रखा सुर, दूसरे का नाम रखा असुर। सुर की भूमि भारत है, असुरों की भूमि समुद्र के पार है। हमें देवता कहा गया है और इस देवतत्व भूमि का नाम भारत माँ है और इस भारत माँ के भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भगवान के रूप में जन्म लेता है। हम कोई पापी के खानदान से जन्म नहीं लेते, हमारे कोख में राम कृष्ण बुद्ध वशिष्ठ भारद्वाज चरक चाणक अशोक महाराणा प्रताप शिवाजी छत्रसाल बिरसा मुंडा पेंसापिन भगवान बड़ा महादेव एकनाथ रनाडे छत्रसाल अहिल्याबाई होलकर कितने का नाम लूं का जन्म होता है तो दूसरे तरफ अपने बाप को भी मार कर अपने भाइयों का सर कत्ल करके दुष्ट राज्य करने वाला भी संप्रदाय आज भी गद्दार बनकर इस भारत मां के वक्षस्थल पे बैठे हैं। चुनौती है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो याद रखो कि यह भारत मां है और यहां का एक संत जब उठता है तो यहां से पीटना प्रारंभ करता है तो जानते हो अफगानिस्तान तक पीटता है। और आज भी लोग कहते हैं कि सो जा बेटा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। और जानते हो यह देश का दुर्भाग्य है कि जब जब कोई विदेशी महिला इस भारत के तख्त पर आई तो इस भारत मां का आंचल कलंकित हुआ।
सबसे पहले भगवान राम का साम्राज्य था कैकई आए कैकई देश से, तो राम का वनवास हुआ। कृष्ण के समय में गांधारी गांधार से आई, तो महाभारत में भारत मां को दहन करना पड़ा। महारानी पद्मिनी सिंघल श्रीलंका से आई तो सिसोदिया वंश को अंत होना पड़ा। और आज भी एक विदेशी महिला भारत में आई है और आज भी वो भारत का सत्यानाश कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुगल आए चोर बनकर आए, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, नादिर शाह कौन था, अब्दुल शाह अब्दाली कौन था, ये सब क्या कोई पीर और फकीर थे? और जो इनसे नाता जोड़ता है वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, और जो भारत माँ का बेटा नहीं वो मेरा भाई कैसा, और जब मेरा भाई नहीं तो फिर उनके साथ रिश्ता कैसा? अगर भाई बनना है तो बनोरस खान सीने से लगाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें बंदे मातम स्वीकार नहीं होगा तो फिर तुम्हें इस भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं होगा। अंग्रेज आए दोगले बनकर, मैं नहीं कह रहा हूं उनका धर्म इस्लाम धर्म पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर केन लोहाटा की अदालत एफआईआर नंबर 3431 हाजकोज थाना इंद्रदेव सनमा बनाम दिल्ली सरकार का फैसला, म्युनिसिपैलिटी मजिस्ट्रेट जेन लोहाटा की अदालत दिल्ली में चली और उन्होंने फैसला दिया कि जब तक ये इनके धर्म ग्रंथ हैं तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि इनका धर्म ही सिखाता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, लूट करना, मार करना, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा मैं नहीं करता। इसका परिणाम जो काम मोहम्मद साहब ने प्रारंभ किया वही काम बाबर ने किया, वही काम औरंगजेब ने किया, वही काम मोहम्मद जिन्ना ने किया, वही काम आज मोहम्मद बुखारी कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। और वही काम ओसामा बिन लादिन कर रहा है, और वही काम आज दिल्ली में बम में रोड पर बम चलाने वाले क्या कर रहे हैं। दूसरे तरफ ये अंग्रेज आए, अंग्रेज मैंने दोगला, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर कोई क्रिश्चियन धर्म का, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खास करके यहां के क्रिश्चियन धर्मावलंबियों ने मेरे इसी प्रक्षेत्र में कुछ किताबें बांटे हैं, उस किताब में लिखा है राम कायर थे नपुंसक थे, बुद्ध हिजड़े थे, हनुमान जी बंदर था, तो तुम मेरे धर्म को जब गाली दे सकते हो तो कृपया प्रशासन वर्ग ध्यान दे, मैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 वाक्य की स्वतंत्रता के आलोक पर तुमको भी गाली देने के लिए स्वतंत्र हूं। और सुनो, बाइबल में लिखा लूत का प्रकरण, कोई बेटी को अपना बाप अपनी बेटी को बलात्कार करके बच्चा पैदा करे उसको क्या कहोगे, दोगला कहोगे कि नहीं? कोई बाप अपनी बेटी को बलात्कार करके बच्चा पैदा करे उसको दोगला कहोगे कि नहीं? जोर से बोलो, कहोगे कि नहीं? इसलिए मैंने अंग्रेजों को